हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में। इनका जीवन देखते हैं, इनके इनका जन्म देखते हैं, ये कहाँ पैदा हुए, सब कुछ देखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी है। तो ये आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान लेखक, विचारक को कुशल राजनेता जवाहरलाल नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद में आ गया था। इलाहाबाद में बसे इसी परिवार में उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। उनके पिता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी। अब इनके वकालत पढ़ाई की बात करें हम लोग, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। हैरो में 2 वर्ष तक रहने के बाद नेहरू कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन कर विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इंटर टेम्पल में 2 वर्ष बिताए बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की यहाँ से। भारत लौटने के 4 साल बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। कमला दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। दोनों की अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 1917 में हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका असल प्रवेश 2 साल बाद 1919 में हुए, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने विदेशी वस्तुओं को त्याग कर खादी को अपना लिया और 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। इस दौरान वे गिरफ्तार भी किए गए। या पूर्ण उनके बता देंगे, एक कम पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। दिसंबर 1929 में वे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। तब तक नेहरू परिपक्व नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936-37 में चुने गए। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने अंग्रेज सरकार के साथ बातचीत हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेहरू महात्मा गांधी के काफ़ी प्रिय थे। नेहरू महात्मा गांधी के काफ़ी प्रिय थे। उन्हीं के कहने पर उन्हें देश का प्रथम पीएम बनाया गया, प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। धर्म निरपेक्षता और भारत की जातीय तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश की मौलिक एकता पर जोर देने, इसके अलावा नेहरू भारत के वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास की आधुनिक युग में ले जाने के प्रति सचेत थे। आपको बता दें, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था इन्हें। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका में रहे।
पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ने 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिए 1955 है। अपने देशवासियों में निर्धनों और अछूतों के प्रति सामाजिक चेतना की जरूरत के प्रति जागरूकता पैदा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करने का भी कार्य उन्होंने किया। उन्हें अपनी एक उपलब्धि पर विशेष गर्व था। उन्होंने प्राचीन हिंदू सिविल कोड में सुधार कर अंततः उत्तराधिकारी तथा संपत्ति के मामले में विधवाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करवाया। आपको यहाँ बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान लेखक भी थे। पंडित नेहरू एक महान राजनीतिक, प्रभावशाली वक्ता भी ही नहीं, महान लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा 1936 में प्रकाशित हुई और संसार के सभी देशों में उनका आदर हुआ। उनकी अन्य रचनाओं में भारत और विश्व, सोवियत रूस, विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की एकता और स्वतंत्रता प्रचलित है, लेकिन उनकी लोकप्रिय किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया रही, जिसकी रचना उन्होंने 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर में की जेल में की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में हुई थी। पुस्तक को नेहरू ने अंग्रेजी में लिखा। इस पुस्तक को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को, नेहरू ने अंग्रेजी में लिखा। बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दौरान लिखा था। 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत के को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अब इनके अंतिम मृत्यु की देख लेते हैं। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। नेहरू के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव युक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में ये यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंश दान अभूतपूर्व था। तो दोस्तों, ये थे पहले भारत के, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।